नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बेगूसराय में वार्ड सचिवों ने आज महत्वपूर्ण बैठक की है। जी हां, अपने विभिन्न मांगों को लेकर के ये बैठक की गई है। वार्ड सचिवों का कहना है कि पिछले 4 वर्ष से मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय को वार्ड सचिव ने अपनी मेहनत से धरातल पर लाने का काम किया, लेकिन उसके एवज में अभी तक वार्ड सचिवों को किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया गया। अपनी प्रमुख मांगों में वार्ड सचिव का मांग है कि वार्ड सचिव के पद को अस्थायी किया जाए और मानदेय निश्चित किया जाए, साथ ही साथ सरकारी नौकरी का भी दर्जा दिया जाए, जिससे कि वार्ड सचिव पूरी मेहनत से अपने कामों को अंजाम दे सके। तो बैठक में 3 सूत्री मांग को लेकर के वार्ड सचिवों का जो है वो मंथन चल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बैठक चल रही है। खंडे भैगल सत्यनारायणी मध्य होता है, सोचना पड़ेगा ना सब लोगों को। और जो लोग एक्टिव नहीं है वो जो है स्वतः पद को छोड़ दें, उससे होता है कि मतलब काम करने में मन, और लोगों में भी जो है उत्साह जो होना चाहिए वो उत्साह नहीं रहता। आप में उत्साह तभी आएगा जब हम उस हम में जोश रहेगा, हम आपको जगाएंगे। तो जो लोग एकदम से लगता है कि प्रखंड अध्यक्ष के पद पे हैं और उनको काम है, ठीक है ना, अगर हमको काम है, काम हमको भी है, रोजगार नहीं है, लेकिन सब काम छोड़ के हम आए हैं। हमारे पंचायत की उपस्थिति आपको बता दें कि कितना होगा, और उसमें हम जो है अपनी मतलब जो है सब लोग पहले से बोल दिया जो 200 रुपये। आज का बैठक का क्या मकसद था? जी, आज का बैठक का मकसद यही था कि हम लोगों का सरकार से 3 सूत्री मांग है, अस्थाई किया जाए, हम लोगों को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। इसी उद्देश्य से आज हम बेगूसराय जिला वार्ड सचिव संघ के जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किए हैं। हम लोग यही सोच के भाग लिए इस बैठक में कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम लोग को बहाली किए थे 7 निश्चय योजना के तहत एक वार्ड सचिव के रूप में, तो हम लोगों ने 4 साल से इस 7 निश्चय योजना को काम किए हैं और अपने काम को धरातल पर लाए हैं। उस काम को हम लोग को कोई मजदूरी नहीं मिला है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि पूरे बिहार के 114,654 वार्ड सचिव को 3 सूत्र मांग को पूरा करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और वो 3 सूत्र है, हमको अस्थायीकरण किया जाए, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, यही हम लोगों का मांग है। और इसे पूरा करने की कृपा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, जरूर करेंगे। जब वो हम लोगों को 4 साल काम कराए हैं तो क्या हम लोग भूखे पेट रहेंगे? इसके लिए तो हम लोगों को कुछ मिलना चाहिए ना सरकार से। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। धन्यवाद।